स्वीडन में मुसलमानों की मस्जिद के बाहर बकरीद के मौके पर कुरान फूंक दी गई और उसके बाद मुसलमानों में बवाल मच गया। मुस्लिम देशों ने इसको लेकर बवाल खड़ा कर दिया। स्वीडन को तमाम तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो गई, लेकिन ऐसे में एक देश उतर आया स्वीडन के साथ और दे दिया उसके प्रधानमंत्री को न्योता। ये देश कोई और नहीं बल्कि इसका नाम है अमेरिका। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान जलाने के विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में स्वीडिश प्रधानमंत्री की मेजबानी करेंगे। दोनों नेता 5 जुलाई की बैठक के दौरान नाटो में शामिल होने के स्वीडन के प्रयास और यूक्रेन में युद्ध के बारे में बातचीत करेंगे। हालांकि स्वीडन का सपना नाटो में घुसने का अब मुश्किल दिख रहा। मस्जिद के बाहर कुरान जलाए जाने की घटना से मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया है और ये घटना भी ऐसे वक्त पर सामने आई जब नाटो का एक शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें स्वीडन की सदस्यता पर फैसला होना था। अब नाराज तुर्की स्वीडन की नाटो सदस्यता के खिलाफ पहले से ही है। पिछले साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही स्वीडन नाटो सदस्यता की मांग कर रहा, लेकिन गठबंधन के सदस्य तुर्की ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। तुर्की ने स्वीडन पर उन लोगों को शरण देने का आरोप लगाया जिन्हें वो आतंकवादी मानता है और ऊपर से इस घटना ने आग में घी डालने का काम कर डाला है। चलिए अब जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने जलाई है कुरान। जिस शख्स ने कुरान को आग लगाई उसका नाम है सलमान मोमिक। सलमान की उम्र 37 साल है और खबरों की माने तो वो कई साल पहले इराक से भागकर स्वीडन पहुंच गया था। सलमान का कहना है कि वो इस्लाम का विरोध करने के लिए कुरान जलाना चाहता था और उसने ऐसा करने से पहले इजाजत ली थी और अभी भी वो योजना बना रहा कि एक बार फिर से कुरान को सरेआम जलाया जाए। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि मोमिका ने 2 विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस को अर्जी दी थी। प्रदर्शन में कुरान जलाने की अनुमति हासिल करना भी शामिल था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन को अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद मोमिका ने अदालत का रुख कर लिया। अदालत ने प्रदर्शन को अनुमति देते हुए पुलिस के फैसले को खारिज कर दिया था। अदालत ने साफ कहा था कि मोमिका को प्रदर्शन से रोकना गलत था। पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के लिए जो कारण बताए कोर्ट ने उसे अपर्याप्त कहा था। हालांकि स्वीडन की पुलिस का कहना है कि मोमिका को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत दी गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि मोमिका ने मस्जिद के बहुत करीब जाकर कुरान में आग लगाई जो कि एक धर्म के खिलाफ आंदोलन था। पुलिस मोमिका पर लगे इस आरोप की जांच कर रही है। वहीं साथ ही साथ कई देश इस वक्त स्वीडन पर भड़के हुए हैं और कुरान को जलाने की अनुमति देकर वो खुद भी काफी हद तक फंस चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब नाटो में घुसने का उसका सपना सपना ही रह जाएगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से स्वीडन में कुरान को फूंक दिया गया, जला दिया गया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।